जय हिंद दोस्तों। दोस्तों देश में रोजाना कई रोड एक्सीडेंट रिपोर्ट किए जाते हैं। एक छोटी सी हुई गलती भी जीवन को संकट में डाल देती है। एनसीआरबी ने 2021 में हुए सड़क हादसों की एक रिपोर्ट पेश की है, जिसमें दिए गए आंकड़ों के अनुसार पिछले साल देश में कुल 4,03,000 रोड एक्सीडेंट्स हुए हैं, जिसमें 1,55,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है इस रोड एक्सीडेंट्स के अंदर। वहीं इन एक्सीडेंट में 3,70,000 से ज्यादा लोग इंजर्ड हुए हैं। अगर 2021 का ये डेटा देखें तो औसतन 426 लोगों की मौत हर रोज इन रोड एक्सीडेंट्स में हो रही है, यानी हर घंटे 18 लोग और हर 4 मिनट में एक इंसान की जिंदगी खत्म हो जाती है इन दुर्घटनाओं के अंदर। इन हादसों की सबसे बड़ी वजह जो एनसीआरबी ने बताई है वो है लापरवाही या ओवर स्पीड में गाड़ी चलाना या खतरनाक तरीके से ओवरटेकिंग करना। अगर हम खुद से भी एनालिसिस करें कि इन मौतों की वजह क्या है, क्यों हमारे यहाँ इंडिया में इतने ज्यादा लोगों की जान हर दिन ऐसे चली जाती है, क्या एक 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग वाली गाड़ी इन आंकड़ों को कम कर सकती है, क्या सिर्फ गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी सुधार देने से या उसे मजबूत बना देने से इन होने वाली मौतों की संख्या कम की जा सकती है? तो इसका उत्तर हाँ भी हो सकता है और नहीं भी, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि जिन लोगों ने इन हादसों में अपनी जान गंवाई है उन सबके पास ही कमजोर गाड़ियां थी। कई एग्जाम्पल हुए हैं ऐसे हमारी सोसाइटी में या हमारे देश में, जिसमें जिन लोगों की जान इन रोड एक्सीडेंट में गई है उनके पास जो गाड़ियां थी वो वर्ल्ड की सेफेस्ट गाड़ियां थी, यानी स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी वाली गाड़ियां थी। तो इसका मतलब है ऐसा नहीं हो सकता कि अगर हमारे पास सेफ गाड़ी है तो हमें कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि सिर्फ गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी ही आपके जीवन की गारंटी नहीं दे सकती। गारंटी तो नहीं दे सकती, लेकिन इतना जरूर है कि अगर आप किसी सेफ गाड़ी में सफर कर रहे हैं जिसकी सेफ्टी रेटिंग अच्छी है तो वहां पे आपके सर्वाइवल के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं या बचा जा सकता है गंभीर रूप से चोटिल होने से। जो डेटा दिया है एनसीआरबी ने उसे कम किया जा सकता है अगर आपके पास कोई अच्छी बिल्ड क्वालिटी वाली गाड़ी हो। चलिए अब आते हैं अपने आज के टॉपिक पे। पहले ही वीडियो काफी लंबी होगी उसके लिए सॉरी, लेकिन ये बात करनी भी जरूरी थी। आज जो बातें बताई है हमने वो सारी आपको डेटा के ऊपर ही बताई हैं, अपने मन से कुछ भी नहीं बताया। चलिए वीडियो पे आते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है वो कारों की सेफ्टी से रिलेटेड है। ग्लोबल एनकैप यानी कि ग्लोबल न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम जो कारों का क्रैश टेस्ट करती है, उस एजेंसी ने अक्टूबर में, एजेंसी कह लो ऑर्गेनाइजेशन कह लो या संस्था कह लो, तो वो जो एजेंसी है ग्लोबल एनकैप उसने अक्टूबर 2022 में नए प्रोटोकॉल के तहत 32 कारों का क्रैश टेस्ट करके उनकी लिस्ट जारी की है जो भारत में इस समय बिक रही है। उन 32 कारों में से सिर्फ 7 कारें या 7 मॉडल ही ऐसे हैं जिन्हें 5-स्टार की सेफ्टी रेटिंग मिली है, 12 मॉडल ऐसे हैं जिन्हें 4-स्टार की सेफ्टी रेटिंग मिली है। तो हमारी आज की जो वीडियो है इसमें हम आपको बताने जा रहे हैं इंडिया की 15 सेफेस्ट गाड़ियां जिन्हें ग्लोबल एनकैप ने अपनी रिपोर्ट में सेफ्टी रेटिंग दी है। हमारी पहली गाड़ी है निशान मैग्नाइट और रेनो काइगर। मैग्नाइट और काइगर दोनों एक ही सेगमेंट की गाड़ियां हैं। इन दोनों का क्रैश टेस्ट एशियन एनकैप ने किया है, जहां पे इस टेस्ट में इनको 4-स्टार मिले हैं एडल्ट ऑक्यूपेंट में और 2-स्टार मिले हैं चाइल्ड ऑक्यूपेंसी में। दोनों बनी एक ही ब्रांड द्वारा है, लेकिन इस टेस्ट में मैग्नाइट के बॉडी शेल को स्टेबल बताया है और काइगर के बॉडी शेल को अनस्टेबल डिक्लेयर किया है। चलिए अगली गाड़ी है रेनो ट्राइबर। ट्राइबर रेनो की सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ियों में से है। ये एक 7-सीटर एमपीवी है और अपने सेगमेंट की सबसे सेफेस्ट एमपीवी है। ट्राइबर को क्रैश टेस्ट में 4-स्टार की रेटिंग मिली है, लेकिन इसकी बॉडी शेल इंटीग्रिटी को इस टेस्ट में अनस्टेबल डिक्लेयर किया है। आगे होंडा जैज। होंडा की हैचबैक जैज ने एनकैप के सेफ्टी टेस्ट में 4-स्टार हासिल किए हैं एडल्ट इक्विपमेंट में और 3-स्टार हासिल किए हैं चाइल्ड इक्विपमेंट में। होंडा जैज के बॉडी शेल को इस टेस्ट में स्टेबल पाया गया है। टोयोटा अर्बन क्रूजर। मारुति ब्रेजा और अर्बन क्रूजर दोनों ने ग्लोबल एनकैप के क्रैश टेस्ट में सेम स्कोर किया था। ब्रेजा के फेसलिफ्ट को तो लॉन्च कर दिया है, अब बारी अर्बन क्रूजर के फेसलिफ्ट की है। इनकी सेफ्टी रेटिंग की बात करें तो 4-स्टार मिले हैं एडल्ट इक्विपमेंट में और 3-स्टार मिले हैं इन्हें चाइल्ड इक्विपमेंट में। 4-स्टार की रेटिंग बुरी तो नहीं कह सकते, लेकिन ठीक है, अच्छी है, 3-स्टार वाली गाड़ियों से तो बेहतर है। तो हम कह सकते हैं कि पुरानी ब्रेजा और टोयोटा की अर्बन क्रूजर दोनों काफी हद तक सेम है। इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट में इनकी गिनती भी सुरक्षित गाड़ियों में ही की जाएगी। अर्बन क्रूजर के बॉडी शेल को स्टेबल पाया गया है इस टेस्ट में। आगे टाटा टियागो और टाटा टिगोर। टाटा टियागो को एडल्ट इक्विपमेंट में 4-स्टार और चाइल्ड इक्विपमेंट में 3-स्टार मिले हैं। टाटा टियागो पेट्रोल, ईवी और सीएनजी तीन ऑप्शन में आती है। ये देश की पहली सीएनजी गाड़ी है जो सीएनजी इंजन स्टार्ट फीचर के साथ आती है, यानी अगर आपकी गाड़ी में पेट्रोल नहीं है तो भी आप इसे सीएनजी मोड में स्टार्ट कर सकते हैं। अभी हाल ही में टाटा टियागो के ईवी वर्जन को भी लॉन्च कर दिया है और ये सबसे सस्ती ईवी है इंडिया की। टिगोर की बात करें तो ये सेडान सेगमेंट की गाड़ी है, इसके भी सीएनजी वेरिएंट को लॉन्च कर दिया गया है। टाटा टिगोर की सेफ्टी रेटिंग की बात करें तो इसने एडल्ट इक्विपमेंट में 4-स्टार और चाइल्ड इक्विपमेंट में 3-स्टार स्कोर किए हैं। हालांकि क्रैश टेस्ट में इसकी बॉडी शेल इंटीग्रिटी को अनस्टेबल कैटेगरी में रखा है। आगे होंडा सिटी 4th जनरेशन। होंडा सिटी की 4th जनरेशन ने 4-स्टार स्कोर किए हैं एडल्ट इक्विपमेंट में और 4-स्टार ही अचीव किए हैं इसने चाइल्ड इक्विपमेंट में। हालांकि सिटी के बॉडी शेल को अनस्टेबल डिक्लेयर किया है। सेफेस्ट गाड़ियों की लिस्ट में अगला नंबर आता है महिंद्रा थार का। थार एक लाइफस्टाइल ऑफरोडर एसयूवी है। 4-स्टार मिले हैं इसे एडल्ट इक्विपमेंट में और 4-स्टार ही मिले हैं इसे चाइल्ड इक्विपमेंट में। थार की बॉडी शेल इंटीग्रिटी को इस टेस्ट में स्टेबल पाया गया है।
दोस्तों होता क्या है आमतौर पे कि ग्लोबल एनकैप जिस भी गाड़ी का क्रैश टेस्ट करते हैं वो अधिकतर मामलों में या लगभग हर बार किसी बेस वेरिएंट पर ही टेस्ट किया जाता है, लेकिन थार के मामले में ऐसा नहीं हुआ। इसके जिस वेरिएंट को टेस्ट किया था वो इसका टॉप स्पेक हार्ड टॉप वेरिएंट था। चलिए अब आगे बारी आती है 5-स्टार रेटेड गाड़ियों की। यहाँ पे एक बात और बता दें आपको, 1 जुलाई 2022 से ग्लोबल एनकैप के रूल्स और स्ट्रिक्ट कर दिए हैं। अब गाड़ियों के साइड इंपैक्ट टेस्ट और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल टेस्ट को मैंडेटरी कर दिया है। अब गाड़ियों को 5-स्टार लाने के लिए और भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और भी बिल्ड क्वालिटी को सुधारना होगा। चलिए अब मौजूदा 5-स्टार रेटेड गाड़ियों की बात करते हैं। इस लिस्ट में सबसे पहले बात करते हैं टाटा नेक्सॉन की। सब 4 मीटर एसयूवी सेगमेंट में आती है ये। नेक्सॉन पहली मेड इन इंडिया एसयूवी है जिसे एनकैप के क्रैश टेस्ट में 5-स्टार की सेफ्टी रेटिंग मिली है। 5 स्टार मिले हैं एडल्ट सेफ्टी के लिए और 3 स्टार मिले हैं इसे चाइल्ड सेफ्टी के लिए। इस समय कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में टाटा नेक्सॉन सबसे ज्यादा बिकने वाली एसयूवी है। नवंबर महीने में इसकी 15,871 यूनिट्स बिकी हैं। ये पेट्रोल, डीजल और ईवी 3 इंजन ऑप्शन में मिल जाती है। और टाटा नेक्सॉन का सीएनजी वर्जन भी आने वाला है जिसे 2023 में ही कर दिया जाएगा। अगली गाड़ी भी इस लिस्ट में टाटा मोटर्स की है, वो है टाटा अल्ट्रोज। टाटा की प्रीमियम हैचबैक अल्ट्रोज को एडल्ट इक्विपमेंट में 5 स्टार और चाइल्ड इक्विपमेंट में 3 स्टार मिले हैं। अल्ट्रोज का क्रैश टेस्ट इसे लॉन्च करने से पहले ही हो गया था। टाटा अल्ट्रोज के बारे में एक दिलचस्प बात हो रहा है, 4थी बार इस गाड़ी का क्रैश टेस्ट किया गया है। जब तक 5 स्टार नहीं लेके आ गई ये इस टेस्ट में, तब तक टाटा मोटर्स भी चैन से नहीं बैठी। कोई ना कोई नया अपडेट करके इसे बार बार टेस्ट में भेजते रहे और फाइनली 4थी बार इसने 5 स्टार स्कोर किए। आगे है महिंद्रा स्कॉर्पियो एन। स्कॉर्पियो एन का क्रैश टेस्ट ग्लोबल एनकैप ने अभी हाल ही में किया है। इस एसयूवी का टेस्ट एनकैप के नए प्रोटोकॉल के तहत हुआ है जिसमें स्कॉर्पियो एन ने 5 स्टार स्कोर किए हैं, 5 स्टार एडल्ट इक्विपमेंट में और 3 स्टार चाइल्ड इक्विपमेंट में। ये कुछ ही पॉइंट से एक्सयूवी 700 से पीछे रह गई। साइड इंपैक्ट टेस्ट भी हुआ है इसका और इसने अच्छा परफॉर्म किया है, उसमें 17 में से 16 पॉइंट हासिल किए हैं इसने उस टेस्ट में। स्कॉर्पियो एन के बॉडी शेल को इस टेस्ट में स्टेबल पाया गया है। अगली गाड़ी है महिंद्रा एक्सयूवी 700। महिंद्रा की फ्लैगशिप एसयूवी एक्सयूवी 700 को ग्लोबल एनकैप के क्रैश टेस्ट में एडल्ट इक्विपमेंट में 5 स्टार और चाइल्ड इक्विपमेंट में 4 स्टार की रेटिंग मिली है। 2021 में एक्सयूवी 700 का क्रैश टेस्ट किया गया था और उसी साल इस गाड़ी को सेफर कार्स फॉर इंडिया मिशन के तहत सेफर चॉइस अवार्ड देकर सम्मानित किया गया था। ये गाड़ी आपको 5 और 7 सीटिंग कॉन्फिगरेशन में मिल जाएगी। पेट्रोल इंजन भी मिल जाएगा इसमें और डीजल इंजन भी। अगर बात इसकी कीमत की करें तो एक्सयूवी 700 की एक्सशोरूम प्राइस 13,45,000 से शुरू होती है और 24,95,000 तक जाती है। सेफेस्ट कार्स की लिस्ट में अगला नंबर आता है महिंद्रा एक्सयूवी 300 का। ये सब 4 मीटर सेगमेंट में सबसे सेफेस्ट एसयूवी है। इसे एडल्ट इक्विपमेंट में 5 स्टार और चाइल्ड इक्विपमेंट में 4 स्टार की रेटिंग मिली है। ये गाड़ी भी पेट्रोल और डीजल दोनों में ही आती है। अगर इसके एक्शन प्राइस की बात करें तो 8,40,000 से शुरू होकर 14,07,000 तक जाती है। इस लिस्ट में सेकंड पोजीशन पे जो गाड़ी है वो अपने इंडियन मैन्युफैक्चरर के द्वारा बनी है, टाटा पंच। टाटा की इस माइक्रो एसयूवी ने सेफ्टी के मामले में कई बड़ी एसयूवी को भी पीछे छोड़ दिया है। 5 स्टार स्कोर किए हैं इसने एडल्ट इक्विपमेंट में और 4 स्टार स्कोर किए हैं इसने चाइल्ड इक्विपमेंट में। केवल पेट्रोल में आती है ये। अगर बात इसकी प्राइस की करें तो इसकी प्राइस 5,99,000 से शुरू होकर 9,67,000 तक जाती है। अब बात करते हैं नंबर 1 पे आने वाली गाड़ियों की। नंबर 1 पे इस लिस्ट में 2 गाड़ियां हैं और दोनों ही विदेशी कार ब्रांड द्वारा बनाई हुई हैं। ये गाड़ियां हैं जर्मन कार मैन्युफैक्चरर ब्रांड फोक्सवैगन की टाइगुन और स्कोडा की कुशैक। कुशैक और टाइगुन दोनों एक ही सेगमेंट की गाड़ियां हैं, एक ही मैन्युफैक्चरर से, दोनों के सब कुछ सेम है, दोनों में इंजन पावर सब सेम है। दोनों मिडसाइज एसयूवी सेगमेंट में आती हैं और अपने सेगमेंट में इंडिया की सबसे सेफेस्ट गाड़ियां हैं। सेफ्टी रेटिंग भी दोनों की एक ही है। इंडिया में पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी गाड़ी ने एडल्ट और चाइल्ड दोनों सेफ्टी में 5 स्टार की रेटिंग हासिल की हो। फोक्सवैगन टाइगुन और स्कोडा कुशैक, इन दोनों ने यह कारनामा करके दिखाया है। इन दोनों गाड़ियों को ग्लोबल एनकैप के नए प्रोटोकॉल के तहत टेस्ट किया गया था जहां पे इन दोनों ने 5/5 स्टार की रेटिंग स्कोर की है एडल्ट इक्विपमेंट में और 5/5 स्टार ही स्कोर किए हैं चाइल्ड इक्विपमेंट में। यानी ये जितनी सेफ बड़ों के लिए उतनी ही सेफ ये बच्चों के लिए भी है। तो इस प्रकार ये दोनों गाड़ियां आज की डेट में इंडिया की सबसे सेफेस्ट गाड़ियां हैं। टाटा पंच, एक्सयूवी 700, एक्सयूवी 300 इनसे भी ज्यादा पॉइंट स्कोर किए हैं इन्होंने। बात इनके पावर ट्रेन की करें तो ये दोनों केवल पेट्रोल में आती है, डीजल इंजन का ऑप्शन यहां पे आपको नहीं मिलेगा। बात करें इनकी कीमत की तो टाइगुन की एक्शोरूम प्राइस 11,56,000 से शुरू होती है और 18,70,000 तक जाती है। स्कोडा कुशैक की कीमत की बात करें तो उसकी एक्शोरूम प्राइस 11,58,000 से शुरू होती है और 19,70,000 तक जाती है। तो ये थी दोस्तों वीडियो इंडिया की टॉप सेफेस्ट गाड़ियों की। वीडियो पूरी देखने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।